मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन एवं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जोनल स्तर पर मान्यता के चुनाव 4, 5, 6 दिसंबर को होने जा रहे हैं। रतलाम मंडल पर आज वेस्टर्न रेलवे में एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री जेआर भोंसले ने 2 सभाएं संबोधित की। सुबह 8 बजे लोकोमोटिव केयर सेंटर डीजल शेड एवं दोपहर 12:30 बजे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में सभा को संबोधित करते हुए भोंसले जी ने बताया कि वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 1920 से 104 वर्ष पुरानी यूनियन कर्मचारी संगठन है। यह संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। यह हमेशा कर्मचारियों के हित में काम करता है। 1920 से लेकर अभी तक की जो लड़ाई सिर्फ यूनियन ने कर्मचारियों के लिए लड़ी है, उसमें सुरक्षा से संबंधित हो या कर्मचारियों के हित की बात हो, हमेशा कर्मचारियों के हित में लड़ती आ रही है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज के मंडल प्रवक्ता अशोक तिवारी ने जानकारी देते हुए यूनियन के द्वारा बोनस, ड्रेस अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, रात्रिकालीन भत्ता, उच्च श्रेणी के पास सुविधा जैसे कई मुद्दों पर कर्मचारियों का हित दिलवाया है। इस प्रदर्शन में यूनियन के मंडल मंत्री मनोहर सिंह बारठ, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोलंकी के अलावा मंडल के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। साल के अंदर अपनापन के साथ में रेल मजदूरों का सेवा हमने किया, हमने मिलकर यूनियन ने, नॉट भोसले और बारठ और एनीबडी एल्स, हम इंडिविजुअल आते हैं जाते हैं, यूनियन कायम अपने जगह पर। आप वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने जो भी सेवा की है वो भूलना मत। क्या मिला है मैं नहीं बोलूंगा, आप उसका एंजॉय कर रहे हो। क्या मिलने का गरज है उसको लेके संक्षिप्त में बताने का काम करूंगा। सबसे पहले हमको 8वां पे कमीशन लाना है। मांग किया था हमने बंबई के अधिवेशन में, रेजोल्यूशन भी पास किया, सरकार इसके ऊपर कोई हा ना बोल, हमने ये बात उठाया था 24 तारीख को जब मैं मोदी जी को मिलने का काम हुआ था, हमने इच्छा प्रदर्शित की थी। उन्होंने बोला अभी नहीं, आज खाली ओपीएस का बात कर। हमारा चलो एक ओपीएस हो जाए फिर दोबारा पकड़ेंगे। लेकिन साथियों आपको मेरे को बताना पड़ रहा है, वो भी बात पर नहीं सुना, खाली मुलाकात करने से, हाथ मिलने से क्या होने का है। मैं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन रतलाम मंडल की ओर से आप सभी से निवेदन करता हूं कि आने वाली 4-5 दिसंबर को जो चुनाव है उसमें अपना अमूल्य मत वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के झंडे के निशान पर लगाकर अपनी यूनियन, कर्मचारियों की यूनियन को मजबूत बनाए, अपनी ताकत बनाए और ज्यादा से ज्यादा मतों से वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के झंडे पर निशान लगाकर अधिक से अधिक मतों से विजय बनाए। मैं 2 नारों के साथ हमारे महामंत्री जी को आमंत्रित करूंगा। रतलाम में कुछ दिन पूर्व दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना हो गई। वृद्धा अपनी बहू के साथ जा रही थी, उसी समय बाइक से 2 बदमाश आए, गले पर झपटा मारा और चेन लूटकर फरार हो गए। बहू ने पीछा भी किया लेकिन बदमाश भाग गए। घटना शहर के माणक चौक थाना अंतर्गत बोहरा बावड़ी गली मोहन टोगे क्षेत्र की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक भी किया और सीसीटीवी फुटेज जारी कर आरोपियों पर 20,000 का इनाम भी रखा। मामले की जानकारी देते हुए रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया। सर, चेन स्नैचिंग वाले मामले में पुलिस कहां तक पहुंची? देखिए, चेन स्नैचिंग वाले मामले में 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। अभी तक 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जो है देख लिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि लगातार हर दिन लीड्स मिलते जा रहे हैं, नए लीड्स मिल रहे हैं, नई जगह पर टीम जो है पहुँच रही है और उस पर जो है काम कर रही है। और मेरा पूरा भरोसा है कि अगले 3-4 दिनों में कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिलेंगे और हम जो है केस को क्रैक कर लेंगे। हाँ, 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है, 2 व्यक्ति हैं वो दिख रहे हैं और पूरा कॉन्फिडेंस है। पब्लिक से भी जो है हम निवेदन करेंगे कि अगर कोई सूचना देते हैं तो उनके नाम को गोपनीय रखते हुए उन्हें इनाम दिया जाएगा और बाकी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हम जो है कलेक्ट कर रहे हैं। We'll be right back.
ओमकार घाणी तेल, जहां आपको मिलेगा शुद्धता और सात्विकता का अटूट संबंध। हमारी विशेषताएं मूंगफली तेल, तिल तेल, नारियल तेल, बादाम तेल, एरंड तेल, अलसी तेल के साथ सभी प्रकार का तेल ऑर्डर पर निकाला जाता है। घाणी तेल की विशेषताएं ब्लड शुगर लेवल कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाए, हार्ट के लिए फायदेमंद और पोषक तत्वों से भरपूर। भारत की पारंपरिक लकड़ी की घाणी से बना तेल अपनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। तो आज ही एक कदम शुद्धता और तंदुरुस्तता की ओर। हमारा पता है ओंकार घाणी तेल, माणक चौक, बड़े हनुमान जी का मंदिर, साहू बावड़ी, दुकान नंबर 3, मोबाइल 9303038833। शहर का जाना पहचाना नाम दी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक की संपूर्ण श्रृंखला। त्योहारों के सीजन में हमारे साथ अपने सपनों को कीजिए साकार। 0% डाउन पेमेंट, आसान किश्तें, क्रेडिट कार्ड पर 20% तक का कैशबैक, स्क्रेच कार्ड ऑफर, एक्सचेंज ऑफर के साथ हर खरीदारी पर आपको मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट। दी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर आप पाएंगे LED TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, गीजर, वाटर प्यूरिफायर के साथ बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आज ही अपने सपनों को कीजिए पूरा दी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर। हमारा पता है 35 कोठारी मार्केट, 232 रतलाम। कॉन्टेक्ट 9993245666। सस्ते दाम में मकान का लालच दिखाकर चाचा भतीजे ने कुछ लोगों से धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा थाना स्टेशन रोड पर शिकायत दर्ज करने पर हुआ। उसके बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिकायत चिंगीपुरा निवासी नवाज खान ने की है और बताया कि उसके परिचित फिरोज खान एवं अमन के द्वारा उसके एवं मिलने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए रतलाम पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया कि सर, स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में ठगी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर क्या था? बिल्कुल, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 8 से 9 व्यक्तियों के साथ इन्होंने ठगी की थी। लगातार ये व्यक्ति कई बार मेरे पास आ चुके थे। CM हेल्पलाइन के कैंप में भी जो है ये आए थे, और आने के जो है तत्काल एक दिन के बाद मैंने तत्काल निर्देशित किया और एक दिन के बाद ही जो है इनकी अरेस्टिंग की गई है। थाना प्रभारी जो है लगातार इनसे जो है पूछताछ कर रहे हैं और प्रयास है कि इस तरीके से जो भी ठगी के मामले हैं या फरारी जो भी व्यक्ति फरार रहते हैं उसमें जल्द से जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी हो, ताकि आगे जो है कार्रवाई की जा सके। सर, इनके द्वारा कितने लोगों से ठगी की गई थी और कितने लोगों? देखिए, अभी तक तो मेरे हमारे पास 9 व्यक्ति आए हैं और अलग अलग राशि इनके द्वारा बताई गई है, तो ओवरऑल लैक्स में ये केस है पूरी की पूरी ठगी। पॉइंट ये है कि उनकी गिरफ्तारी की गई है और आगे जहाँ से भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके प्रयास किए जा रहे हैं।